खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए सर, इससे पहले पहले नाम बताइए, फिर उसके बाद आपने जो रियल एस्टेट में जो जो किया है सब बताइए हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा। बेसिकली मैं बैकग्राउंड से दिल्ली एनसीआर से रहने वाला हूँ और हम अंतरिक्ष ग्रुप दांतरिक्ष ग्रुप रियल एस्टेट के अंदर 35 ईयर्स पुराना ग्रुप है, 7 स्टेट्स के अंदर हम लोग काम करते हैं। मैं कंपनी से पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट पार्टनर हूँ। मेरी खुद की अलग से कंपनी वी स्क्वायर ग्रुप है और वी स्क्वायर का ही हम वेंचर जो है फिल्म लाइन के अंदर लेके आए हैं, वी स्क्वायर फिल्म्स। ये हमने कंपनी स्टेब्लिश की थी 2014 के अंदर। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट हो चुका है और आने वाले टाइम के अंदर हम 2-3 प्रोजेक्ट्स और लाइनअप कर रहे हैं जिनके अंदर प्री प्रोडक्शन चालू हो चुका है। सर, जैसे आपने कहा कि आपने रियल एस्टेट में भी बहुत अच्छा किया है, अब जो है फिल्म कंपनी लेके आने वाले हैं, फिल्म प्रोडक्शन हाउस लेके आने वाले हैं, तो क्या ऐसी खास बात थी जो आपने इस तरफ रुझान किया फिल्मों की तरफ, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। 2-3 साल से बल्कि 4-5 सालों से फिल्मों का ट्रेंड काफी चेंज हुआ है, तो फिल्मों के अंदर जो कंटेंट के ऊपर ये फिल्में आनी शुरू हुई हैं तो उससे थोड़ा जो एजुकेटेड या जो लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा मसाले से ज़्यादा थोड़ा रियल सिनेमा चाहते हैं, ऐसे लोगों का रुझान बढ़ा है। मैं खुद बैकग्राउंड से बाय क्वालिफिकेशन बीटेक और एमबीए हूं, तो मेरा मानना यह है कि अब ऐसे लोग आने लगे हैं आपके लोगों की लाइन में कि जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा भी खुद का एक पैशन था इस लाइन के अंदर काम करने का। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि चलो अब शायद टेस्ट वाला काम है तो करते हैं। हमने जो भी कंटेंट चुना है, पहली मूवी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमने जो है ओथेलो का कंटेंट लिया है और ओथेलो के कंटेंट के ऊपर हमने कुछ नया करने की कोशिश की है जो शायद पूरे वर्ल्ड वाइड सिनेमा को इफेक्ट करेगा। सर, कंटेंट पे अगर बात की जाए तो किस तरह से कंटेंट आप अपनी मूवी फर्स्ट मूवी जो है वो ला रहे हैं, क्या कॉमेडी होगा, सस्पेंस? कॉमेडी होगा, कॉमेडी कॉमेडी या ह्यूमर ये मान सकते हैं, कॉमेडी और ड्रामा होगा जो हर तरीके के एज ग्रुप को कनेक्ट कर पाता है। आपकी अगर जर्नी की बात करें शुरुआत से लेके, जैसे आपने कहा कि आपने बीटेक भी किया है, क्या फिल्म का कितना नॉलेज है आपको अगर बताइए, और थोड़ा सा जर्नी के बारे में ऑडियंस को बताइए, क्योंकि फिल्म की तरफ लोग जो है सबके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं जो भी फैन। मेरी जर्नी तो बहुत अलग तरीके की है इस मामले में अगर मैं फिल्म की बात करूँ, क्योंकि मेरा पहला बैकग्राउंड रहा है एजुकेशन से। मैंने अपना बीटेक कम्प्लीट करने के बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लेक्चरर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चर के बाद मेरा खुद थोड़ा सा एकेडमिक जो रहा है मेरा 3-4-5 साल रहा और मैं उसमें कुछ अच्छा करना चाहता था। दिल्ली आईआईटी के अंदर मैंने रोबोटिक्स के ऊपर पेपर भी पढ़ा है, जबकि मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल में और मैं लेक्चरर था इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि मैं रोबोटिक्स की समझ अच्छा रखता था। एमबीए करने के बाद मेरा रुझान रियल एस्टेट की तरफ गया और रियल एस्टेट के अंदर दिल्ली एनसीआर की उठती हुई मार्केट थी, तो हमको काम करने का अच्छा मौका मिला। फाइनेंशियली भी थोड़ा बूम था उस टाइम पे, तो हमने उस चीज़ को पूरा रिकवर किया है। और लेकिन आज का टाइम मैं कुछ चाहता था कि भाई वो काम बहुत हो गया, थोड़ा पैशन कर लिया जाए। पैशन तो इस लेवल का रहा है मेरा फिल्मों के लिए कि मैं वन सिटी के अंदर जो है 5-5, 6-6 फिल्में देखी हैं और वर्ल्ड वाइड सिनेमा सब देखा है। मतलब आप ये मान के चलिए कि मैंने फ्रेंच सिनेमा देखा है, इंग्लिश सिनेमा देखा है, इटालियन देखा है और इंडियन देखा है। सर, जैसे आपने कहा कि आपने हर तरह की फिल्में देखी है, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं आप, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्में हम सब जानते हैं कि टेक्निकलिटी के मामले में बॉलीवुड फिल्मों से कहीं ज्यादा आ गया, तो क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? मेरे ख्याल से चेंजेस तो आ चुका है, कोई जो चेंजेस आना चाहिए तो आ चुका है। आज के टाइम के अंदर आप एक्शन मूवी देखेंगे तो एक्शन मूवी का भी एक अपने आप में एक लेवल सेट किया जा रहा है धीरे धीरे। वो अलग बात है कि फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बजट इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको उस तरीके से भी ट्रीट कर पाते हैं ढंग से जितना कि आप उसमें बजट बढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंटेंट सिनेमा की, तो कंटेंट सिनेमा में वो आप मिरेकल या हो चुका है जो कि होना चाहिए था। जो आने वाले टाइम में जो मूवी आ रही है या अभी पिछले 2-3 साल में जो सिनेमा आया है वो बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहा है और बहुत अच्छे से लोगों को कनेक्ट भी कर पा रहा है। अभी जो रिसेंट टाइम में जितने भी सिनेमा आया, जैसे आपने कहा 2017 और 18 में, ऐसी कोई फिल्म है जो आपके दिल को छू गई हो और आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो? बिल्कुल, रिसेंटली पिक्चर देखी मैंने उरी, मुझे बहुत शानदार लगी। उसके अलावा बधाई हो बहुत शानदार थी। बधाइयों ने बहुत ही बड़े टैबू को जो हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर डिस्कस ही नहीं होता था उसको बिल्कुल डिस्कस भी किया और बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी किया और फैमिली को कनेक्ट भी किया एक दूसरे से। जैसे आपने कहा कि फिल्मों की शुरुआत आप एक कॉमेडी जॉनर से करना चाहेंगे, ऐसा कोई ड्रीम जॉनर है जिसमें मतलब आप ऑडियंस को मतलब रुझान उस तरफ करना चाहे ऑडियंस का? फिल्मों का बेसिकली सबका मतलब देखो ड्रामा से ही है। उस ड्रामा को आप कितना प्योरली कनेक्ट कर पाते हैं इमोशन से, एक्शन से, कॉमेडी से या फिर एक सोशल मैसेज से, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी हर मूवी के अंदर एक सोशल मैसेज जरूर जाए। सर,
जो पहली फिल्म है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है, स्टार कास्ट किस तरह की फाइनलाइज की है आपने फिल्म के लिए, थोड़ा सा बताइए। पहली फिल्म के अंदर अंदर हमारे जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो इश्तियाक आरिफ खान है, उनको बहुत सारे लोग हर्षाक को उल्लू बैठा के पुत्तन मियाँ से जानते भी हैं। संजय मिश्रा हैं, इप्सिता चक्रवर्ती हैं, और आपके विश्वनाथ चटर्जी हैं जो अभी लुका छुपी और जंगली के अंदर खुद दिखाई देंगे आपको। इसके अलावा विक्रम कोचर बहुत ही नॉन फेस है स्क्रिट गेम्स से, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। और मूवी का कट हो गया दिमाग से, क्या था क्वेश्चन थोड़ा।